नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। भारत का संवैधानिक विकास हम लोग देख रहे थे। भारत का संवैधानिक विकास अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कोई भी प्रक्रिया बहुत तेजी से नहीं होती है। कोई भी बड़ा काम एक दो दिन में नहीं होता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखने का समय था, लेकिन विकसित होने का समय काफी लंबा था और एक्ट के माध्यम से हमने देखा ये काफी लंबा समय था। 1919 तक का जो अधिनियम था, जिसके बारे में हमने चर्चा की, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए सर जायमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ। होना था 10 साल में, लेकिन साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ गया, 1927 में ही आ गया कि 1919 के क्रियान्वयन को देख सके, उसके अधिनियम में जो क्रियान्वयन में कमी रह सकी रह गई उसको जांच सके, या क्या सफलताएं थी विफलताएं थी वो सारी चीजें वो कर सके। उसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से पहले हमने आपको बताया था नेहरू समिति, नेहरू समिति के 11 सदस्य, उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष। एक बार पूछा गया था कि कौन सी ऐसी समिति जिसमें पिता और पुत्र दोनों थे, तो ये नेहरू समिति थी। इसमें अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और एक सदस्य के तौर पर ही नहीं वरन सचिव के तौर पर। अगर कभी नेहरू समिति के सचिव की बात की जाए तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। नेहरू समिति में कुल 11 मेंबर थे और 11 में से 2 लोग ये पिता पुत्र ही थे, अध्यक्ष और सचिव मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस से 3रे मेंबर थे सुभाष चंद्र बोस। ये 3 कांग्रेसी मेंबर थे। सैयद अली, सर सैयद अली इमाम और सोएब कुरैसी, ये आपके मुस्लिम लीग से थे। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, श्रमिक संघ वाला पूछा जाता है कौन थे, तो ये थे M.N. जोशी। ऐसे 11 मेंबर थे, मैंने आपको पूरा बताया था। ये सारी चीजें हम देख चुके। इसके बाद में अब हमको जो चर्चा करनी है वो है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, जो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव अपना छोड़ पाया। सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम का ही प्रभाव आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, और इसके बाद कोई अधिनियम इतना बड़ा आया भी नहीं। इतना बड़ा था, 321 धाराएं थी इसमें, 10 अनुसूचियां थी। और 10 इसमें अनुसूचियां थी, बहुत बहुत ही बड़ा था। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन इसको समझ सकते हैं, इतना बड़ा था। और कहा जाता है इसके बारे में कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर यह था, एक लंबा विस्तृत दस्तावेज और पूर्ण उत्तरदायी शासन के गठन में एक मील का पत्थर यह साबित हुआ। कई चीजें हुई जो आज भी ऐसे ही चल रही हैं, 1935 के अधिनियम से ही ली गई है। 1935 के अधिनियम के बारे में कई स्टेटमेंट भी आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसकी विशेषताओं को आपको बता दूं कि क्या क्या इसमें हुआ था, तो वो स्टेटमेंट आपको ज्यादा समझ में आएंगे। 1935 के अधिनियम में एक सबसे बड़ा काम हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ भी यहीं से हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन पहले से चला आ रहा था। प्रांतों में द्वैत शासन हमने पढ़ा था जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें हमने पढ़ा था, तो वो पहले से चला आ रहा 1919 के अधिनियम में। लेकिन यहां पर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। तो कभी आपसे द्वैत शासन पूछ ले तो मैंने आपको बताया था, केंद्र में जब द्वैत शासन प्रारंभ हुआ, यानी कि संघीय विषय का स्थानांतरित और आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन हो गया, तो सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रांत में द्वैत शासन जो था, यहां पर आप लिखिए द्वैत शासन, शॉर्ट में नोट बनाइए द्वैत शासन, और ये पे लिखिए प्रांत, तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त और केंद्र में जो द्वैत शासन है वो लागू हो गया। द्वैत शासन की स्थिति थी।
केंद्र में जो शासन लागू हुआ तो इसका अर्थ यह था कि संघीय विषयों का स्थानांतरित और आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन कर दिया गया, और प्रांतों में जो शासन समाप्त हो गया तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। यहां पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। 1937 में भी चुनाव हो गए। 1937 के चुनाव में कौन सा विभाग किसके पास था ये बातें भी हमको करनी है। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, वहां पे सीएम बनेंगे और ये सीएम भी आपसे पूछे जाएंगे, अभी हम चर्चा इसकी कर रहे हैं। दो चीजें ये याद रखिएगा। दूसरी बात एक सबसे महत्वपूर्ण थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच में त्रिसूची प्रणाली, तीन सूचियों संघीय, राज्य और समवर्ती सूची, इसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा भी हुआ था। तो तीन सूची जो प्रणाली थी ये भी यहीं से इंट्रोड्यूस हुई और तीन सूची प्रणाली के अंतर्गत तीन, आगे भी इसको हमको अपने संविधान में पढ़ना ही है, तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब एक प्रश्न यहां पे पूछा जाता है, भाई एक हो गया केंद्रीय सूची, दूसरी हो गई राज्य सूची और तीसरी हो गई समवर्ती सूची, इसका केंद्र के पास, इसका राज्य के पास, समवर्ती सूची पे कानून विधि बनाने का, सॉरी समवर्ती क्या इसको अवशिष्ट करिए, तीसरी, हाँ ठीक है समवर्ती सूची, अब एक अवशिष्ट, अवशिष्ट विषयों पे, समवर्ती सूची तो ये हुई गई, समवर्ती पे तो दोनों बना सकते हैं, बाकी बचा अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार किसका था ये पूछा जाता है, तो आप ये कहिए ये वायसराय का था। ये किसका था? वायसराय के पास था, वायसराय को इसका अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, भारत में जो प्रांत थे, प्रांतों साथ में जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे, देसी रियासतें थी, उन सबको मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी थी। तो अखिल भारतीय संघ जब भी आपसे पूछा जाए तो अखिल भारतीय संघ आप बताएंगे कि प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और जो भी देसी रियासतें थी उनको मिला के अखिल भारतीय प्रांत की स्थापना की गई थी। लेकिन यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, केवल प्रावधान मात्र यह था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। वर्मा को अलग करने की भी इसमें बात की गई थी, लेकिन ये सब व्यवस्था अस्तित्व में आई ही नहीं, जो ये प्रांत वाली है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की जा रही है, ये व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। 11 उस समय टोटल राज्य थे, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी। यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, द्विसदनीय व्यवस्था। और इन 11 में से 6 कौन थे? बंगाल था, बंबई था, मद्रास था, बिहार था, संयुक्त प्रांत था और असम था। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और एक कौन बचा? वो बचा आपका असम। यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई थी। बाकी 11 राज्यों में अभी चुनाव भी हमको कराने हैं, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में भी पढ़ना है। आपको पता है कि इंग्लैंड में एक भारत परिषद हुआ करती थी, तो भारत परिषद की इसमें समाप्ति कर दी गई थी, भारत परिषद समाप्त हो गई थी। भारत परिषद समाप्त कहां पर यह होती थी? ये इंग्लैंड में हुआ करती थी, तो इंग्लैंड की भारत परिषद जो थी ये समाप्त हो गई। बाकी कुछ काम थे जैसे लोक सेवा आयोगों की स्थापना करना, जो पीएससी थे, है ना। अब इसमें पीएससी में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और एसपीएससी एंड जेपीएससी, जेपीएससी मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों का प्रावधान किया गया। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग हो गया है, स्टेट में ये हो गया, और जिन राज्यों का, दो राज्यों का संयुक्त होना था, संयुक्त का भी इसमें प्रावधान किया गया था। आरबीआई की स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी, भाई देश में जो मुद्रा साख इनके नियंत्रण के लिए कुछ एक संस्था होनी चाहिए, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, चारों तरह से मांग चल रही है, भारत की आजादी की मांग चल रही है, भारत को स्वतंत्र करने की मांग चल रही है। अभी अभी और डेवलपमेंट आपको समझ में आएगा। उस बीच में
अंग्रेज जो है कुछ तसल्ली देने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही नहीं है, एक हम फेडरल कोर्ट भी दे रहे हैं, एक संघीय न्यायालय भी तुमको दे रहे हैं, संघीय न्यायालय भी दे रहे हैं, संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। ये 1773 का न्यायालय नहीं है, ये संघीय न्यायालय है। 1735 में एक्ट आया और 1937 में इसकी स्थापना कर दी गई, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो बने थे मॉरिस क्वेयर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो बने थे उनका नाम था मॉरिस क्वेयर, मॉरिस क्वेयर इनका नाम था। ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और ये बन गए, रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी। लेकिन कुछ वैसे भी काम किए भाई, 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना है, बहुत सारे काम हुए थे। इन्होंने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको और सशक्त किया, उसको और विस्तृत किया। 1909 में शुरू हुआ था, 1909 में मुस्लिम्स के लिए ये शुरू हुआ था, यहां पर आके दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर जो वर्ग थे उनके लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो फर्स्ट टाइम फीमेल जो वुमेन थी, वुमेन्स के लिए, जो श्रमिक वर्ग था लेबर उसके लिए, इसके साथ ही दलित जो जातियां थी, पिछड़े लोग थे उनके लिए, दलित के लिए पहली बार चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था, प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके इनको ध्यान में रखकर निर्वाचन की व्यवस्था, पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करने का प्रयास इसमें किया गया था। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्राविधान थे जो इसके किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे यहां के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा 1935 का जो अधिनियम है वो अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। उन्होंने क्या कहा, पीटी नेहरू ने, पंडित नेहरू ने कहा कि ये डिब्बे तो बहुत सारे बना दिए गए हैं लेकिन इसमें ब्रेकिंग व्यवस्था बहुत सारी की गई है, तो अनेक ब्रेक हैं, अनेक ब्रेकों वाली है, और दूसरी चीज ये है अनेक ब्रेकों के साथ इंजन रहित है, इसको चलाएगा कौन, इंजन रहित गाड़ी है। ये 1935 के अधिनियम के बारे में, एक्ट के बारे में पीटी नेहरू ने यह कहा था। जिन्ना ने भी कहा कि ये एक सड़ा, मूल रूप से बिल्कुल बुरा एक प्रावधान था, एक मतलब एक एक्ट था, एक अधिनियम था। जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने कहा कि ये मूल रूप से सड़ा, बुरा एक एक्ट था, मूल रूप से ये बिल्कुल सड़ा था और बुरा एक्ट था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के बारे में। 1937 में यहां पे चुनाव होते हैं, चुनाव प्रांत, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त होता है, और प्रांत में द्वैत शासन समाप्त होने से प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। तो ये जो चुनाव होता है 1937 का, 1937 का जो ये चुनाव होता है, 1937 के चुनाव में प्रांतीय सरकारों का गठन होता है। तो 1937 का चुनाव और इसमें हुआ प्रांतीय सरकारों का गठन, तो इसमें कौन कहां पर सीएम बना ये आपसे पूछ लिया जाता है, आपको ये जानना चाहिए। 11 स्टेट थे, 11 स्टेट में से मैंने कहा कि 6 जो स्टेट थे वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, बाकी जो स्टेट थे वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, बाकी स्टेट में द्विसदनीय व्यवस्था भी नहीं थी। 6 स्टेट में से 6 स्टेट ऐसे थे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में जहां पर बनी थी, जैसे मद्रास था, बंबई था, मतलब तो पहले हम लिस्टिंग कर ले, मद्रास बंबई ऐसे थी, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत के बाद में अगला आप लिखिए यहां पर बिहार, बिहार फिर यहां पर था एक संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, और छठा था उड़ीसा। ये 6 राज्य ऐसे थे जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। मद्रास में सी राजगोपालाचारी,
ये सीएम बने थे। मुंबई में बीजी खरे, एक और भी आएंगे बीएन खरे, बीएन खरे मध्य प्रांत के बने थे, बाद में रविशंकर शुक्ला वहां पर बनेंगे बीएन खरे, बाद में यहां पर रविशंकर शुक्ला बनेंगे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, यहां भी जीबी पंत बने थे। और जब उड़ीसा जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहां पे बीएम दास बने थे। ठीक है, दो जगह ऐसी हैं, दो जगह ऐसी हैं जिनके नाम अभी बदले आपको नजर आएंगे, जैसे एक मध्य प्रांत और दूसरा संयुक्त प्रांत। तो मध्य प्रांत यहां पर मध्य प्रदेश वाला पूरा एरिया था और छत्तीसगढ़ वगैरह सब पूरा इसमें शामिल था, और संयुक्त प्रांत का मतलब है यहां पर जो उत्तर प्रदेश वाला, जिसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से जान रहे हैं, इसका नाम तब संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो इन छह जगहों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, दो जगहों पर मुस्लिम लीग, एक जगह प्रेस गवर्नमेंट और एक जगह कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, और दो जगह पे गठबंधन की सरकारें बनी थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जैसे एक इसमें हो जाएगा, ये तो आपका कांग्रेस का हो गया, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, मुस्लिम लीग वाला एक साथ लिख लेते हैं, जैसे मुस्लिम लीग उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहां पे गठबंधन सरकार बनी, लेकिन जो सिंध था, सिंध, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, और मुस्लिम लीग में ये थे अल्लाह बख्श, है ना, सिंध जो था यहां पे कौन बना, अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श जो थे ये यहां के सीएम बने थे। ठीक इसी तरीके से मोहम्मद सादुल्लाह थे, वो असम में बने थे, मुस्लिम थे लेकिन मुस्लिम लीग का नाम मानिएगा उनको, वो गठबंधन सरकार थी। मुस्लिम लीग की एक गवर्नमेंट बनी थी बंगाल में, लेकिन बंगाल में फ्रेश गवर्नमेंट नहीं बनी थी, इसमें मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी, और यहां पे फजलुल हक, फजलुल हक जो थे ये बने थे फजलुल हक। तो ये दोनों हो गई आपकी मुस्लिम लीग। ठीक है, दो जगह पे गठबंधन सरकार थी, एक उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जहां पे डॉक्टर खान साहब बने, और दूसरी जगह पे यहां पे आप आएंगे असम में, तो असम में मोहम्मद सादुल्ला नाम से बन जाएगा कि यहां पर मुस्लिम लीग की बन गई, यहां पे भी गठबंधन सरकार थी। तो एक असम गठबंधन सरकार, मोहम्मद सादुल्ला थे यहां पे, मोहम्मद सादुल्ला, और दूसरा उत्तर पश्चिम का जो प्रांत था उसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के नाम से जाना जाता था, सीमा प्रांत इसको कहते हैं। यहां के बने डॉक्टर, गठबंधन सरकार थी और यहां के बने डॉक्टर खान साहब, तो ये हो गए। ठीक है, तो ये वाला जो था ये दोनों गठबंधन सरकार का। अब एक बचा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिस्ट पार्टी 11 नंबर। ये यूनिस्ट पार्टी ने कहां पर अपना बनाया था, यूनिस्ट पार्टी जो थी ये पंजाब में सिकंदर हयात खान इनकी थी, तो पंजाब जो प्रांत था पंजाब में ये यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी, और यहां पर सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान इनकी गवर्नमेंट। ये आपको याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, कभी आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसने सरकार बनाई, सबसे ज्यादा जीत किसकी हुई, कांग्रेस की हुई, कहां पर किसकी सरकार बनी, ये आपको याद होना चाहिए। मोटे तौर पर यहां पर नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन उधर गांधी जी चला रहे थे, गांधी जी कह रहे थे अरे जो भारत छोड़ो वो समय आ गया है, अब तुम हमको स्वतंत्रता ऐसे तो दोगे नहीं, तो यहां से भागो, छोड़ो निकलो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे,
अंग्रेज कहते थे कि यार तुम इतने दिन से गुलामी में रहे हो तो अभी तुम्हारे पास इतनी क्षमताएं नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि यहां की शासन सत्ता संभाल पाओगे, है ना। अंग्रेज अपने हिसाब से सब सोच रहे थे, अंग्रेज कह रहे थे हम एक भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, अंग्रेज कह रहे थे कुछ व्यवस्था कर दो फिर हम यहां से चले जाएंगे, अब हम यहां रहेंगे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त होने वाला था उधर, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला है यूरोप में, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जापान के विरुद्ध अभियान में भारतीय समर्थन भी चाहिए, आगे की थोड़ी सी आगे के घटनाक्रम पे हम जाएं तो भारतीय समर्थन के लिए भी उधर प्रयास होंगे। इसी बीच में 1942 की बात है, 1942 में भारतीय संघ की स्थापना का बहाना करते हुए या बात कहते हुए एक मिशन, ये मार्च की बात है, मार्च 1942, और मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। डेट भी आप चाहे तो लिख दें, होली के आसपास का यह समय याद रखिएगा, लगभग होली ऐसे पड़ती है 22 मार्च, क्या था यह समय 22 मार्च, और मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। भारत क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, भारत को एक क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय निकाय होता है, इसमें और कोई नहीं था, और उसका खुद का नाम ही स्टेफोर्ड क्रिप्स था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसको बोलते थे। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही इसका एक सदस्यीय आयोग था, यही इसका कर्ता धर्ता था, एक सदस्यीय आयोग भारत आया। उद्देश्य क्या था, भारतीय संघ की स्थापना करना, उसके लिए यह बना था, भारतीय संघ की स्थापना करना। कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप बताइए कि यह किस उद्देश्य से बना था, तो भारतीय संघ की स्थापना करने के उद्देश्य से यह भेजा जाता है, ब्रिटिश सरकार इसको भेजती है। किसके द्वारा भेजा जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जाता है। ब्रिटिश सरकार भारतीय संघ की स्थापना करना तो चाह रही थी, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज होगा। ये क्या होगा, पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज, और ये किसके अंतर्गत होगा, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत इसकी स्थापना करने के उद्देश्य से इसको भेजा जाता है। हमारे यहां कांग्रेसी मांग क्या कर रहे थे, स्वतंत्रता की, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। ये क्या कह रहे थे, हम एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करेंगे, वो भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही रहेगा, क्योंकि तुमको अभी इतनी तमीज नहीं है कि तुम पूरी गवर्नमेंट चला सको, अंग्रेज ऐसा कह रहे थे। इतना जरूर इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन है इंग्लैंड से संबद्ध रहो तो रहो, नहीं तो मतलब सॉरी ब्रिटेन से, और नहीं तो ब्रिटेन से संबंध विच्छेद भी कर सकते हो, संबंध विच्छेद की स्वतंत्रता भी इसमें दी गई थी। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद हम भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना करेंगे, ये भी एक बात कही। सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो जाएगा तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ये भी बात इसमें कही गई थी कि स्थापना की जाएगी। लेकिन एक लेकुना इन्होंने लगा दिया, इन्होंने कहा कि जो प्रांत हैं ब्रिटिश सरकार के, ये प्रांत जो हैं वो प्रांत देसी रियासतें, वो नवीन संविधान चाहे माने या ना माने, अगर उनको मानना है तो नवीन संविधान माने, और अगर उसको नहीं मानते हैं तो अपना संविधान, अगर नवीन संविधान नहीं पसंद है तो अपना संविधान बना ले, या फिर जो पूर्व व्यवस्था है पूर्व व्यवस्था उसी पर चलते रहे। कर दिया ना बवाल, अगर तुम कर ही रहे थे तो सबको कह देते कि सब हो जाए, लेकिन एक तुमने झगड़ा उसमें छोड़ दिया। वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकेंगे, अपने लिए नया संविधान ही बना सकेंगे, भारतीय संघ के समान उनकी स्थिति होगी, ऐसा करके इसने बीच में छोड़ दिया, और यही विवाद का कारण बना। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य ये बहुत बड़ी बात, भाई संविधान सभा तुमको मानना है मानो, नहीं तो फिर अपना बना लो,
प्रांतों से कहा जा रहा है, देसी रियासतों से कहा जा रहा है, तो कैसे हो पाएगा भाई? तुमने तो खुद प्रमोट कर दिया, कोई साथ बैठा था उसको भी कह दिया कि लड़ाई करने का पूरा अवसर है, कर लो भैया। तो अंग्रेज ऐसे ही बदतमीजी दिखाते रहते थे। तो संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाएं जो थीं उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि तब तक जब तक उसमें कोई संविधान भारत का नहीं बन जाता है, वो नवीन संविधान के कार्यान्वित होने के पहले ब्रिटिश सरकार ही भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे चलती रहेगी, सुरक्षा का जिम्मा हमारे यहां। सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारे हाथ में, तुम ही तो सबसे बड़े रक्षक हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं के हाथ में होता है जो सबसे बड़े असुरक्षा के कारण हो जाते हैं। यहां पर भी वही था कि सुरक्षा का जिम्मा हम ले रहे हैं। कांग्रेस कह रही है संपूर्ण भारत को स्वतंत्र करो, स्वतंत्रता की मांग कर रही है। क्रिस प्रस्ताव कह रहा है औपनिवेशिक स्वराज, और इस औपनिवेशिक स्वराज की कोई अगर तिथि की बात की जाए तो कोई तिथि इन्होंने घोषित नहीं की थी। ये भी नहीं कहा था कि इस तारीख को हो जाएगा, कोई तिथि भी नहीं। और दूसरा, ये किसके बिहाफ पे दे रहे हैं? हम मांग रहे थे संपूर्ण स्वतंत्रता और ये दे रहे हैं औपनिवेशिक स्वराज। महात्मा गांधी ने इसी बात पे कहा था कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में बुनने वाला चेक, पोस्ट डेटेड चेक, इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। दिवालिया बैंक, ब्रिटेन दिवालिया बैंक, और वो एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है, भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक, बेवकूफ बना रहा है। तो ये महात्मा गांधी बापू यही कहते हैं इसके बारे में, दिवालिया बैंक ब्रिटेन और वो भविष्य में भुनाने वाला चेक दे रहा है। आज उसके पास कुछ है भी नहीं तब भी अपना कानून करने से नहीं छोड़ रहा। ये सारी बातें तो हो गई। एक तरफ मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से कुछ कम इसको मंजूर नहीं था। ये बता तो रहे थे कि प्रांत और देसी रियासतें जो है वो नवीन संविधान बना नहीं, अगर इनको पसंद है अपना संविधान बनाए या पूर्व व्यवस्था में रहे। तो अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मांग को इसमें सपोर्ट किया गया, जो कि कांग्रेस को नहीं पसंद था। कांग्रेस ने कहा कि भाई ये तुम जो मांग कर रहे हो, मतलब ये जो व्यवस्था कर रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं तुम मुस्लिम लीग की मांग को सपोर्ट कर रहे हो। मुस्लिम लीग ने कहा कि अस्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है हमारे लिए, तो कोई पाकिस्तान हमने मांगा था, पाकिस्तान के लिए अस्पष्ट कोई प्रावधान किया नहीं गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया लेकिन अस्पष्ट तौर पर नहीं किया गया। और सुरक्षा की जिम्मेदारी वो खुद ले रहे थे। कांग्रेस ने कहा तुम क्या सुरक्षा करोगे जब तुम खुद ही असुरक्षित हो, द्वितीय विश्व युद्ध में तुम्हारी हालत वैसे ही खस्ता है। तो भारत की सुरक्षा के मुद्दे पे कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, मुद्दा यही बनाया। और मुस्लिम लीग ने इस मुद्दे पर विरोध कर दिया कि पाकिस्तान की मांग को प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को आप भले स्वीकार कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं। तो मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कुल मिला के क्रिस मिशन बेकार हो गया। मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिस प्रस्ताव को अस्वीकार इसलिए कर दिया गया क्योंकि अस्पष्ट कोई प्रावधान नहीं था कि जिसके अंतर्गत पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान की स्थापना की बात इसमें की गई थी, मांग को स्वीकार किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन चाह रहा है कि भारत जो है, ब्रिटेन की मंशा है कि भारत सपोर्ट करे, भारत का सपोर्ट ये चाह रहा है, और ये सपोर्ट चाह रहा है जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ ये सपोर्ट चाह रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, उस समय की सिचुएशन ये थी, यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी और जापान के विरुद्ध जो ये चाह रहा था, सपोर्ट चाह रहा था कि भारत उसका जापान के खिलाफ सपोर्ट करे। अब यहां पर क्या सिचुएशन होगी? तो एक लॉलीपॉप और दिया भारतीयों को ब्रिटेन ने, भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए, यह समर्थन प्राप्त करने के लिए एक लॉलीपॉप और दिया। कहा कि संवैधानिक जो गतिरोध हमारा तुम्हारा चल रहा है इसको अब दूर करने का समय आ गया है। समय है जून की छुट्टियां चल रही थी 1945, 9 जून 1945 वेबर योजना,
बना के वेबल प्लान यहां पर भेजा। जो वेबल थे वो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, ये वेबल क्या थे, ये वायसराय थे तत्कालीन। तो एक वेबल प्लान यहां पर प्रस्तुत किया गया। इसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई वेबल योजना में। पहली बात इसमें क्या कही गई, पहली बात इन्होंने कही कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था, भाई संविधान जब तक नहीं बन जाता है तब तक एक अंतरिम व्यवस्था यहां पर की जाएगी, सरकार वरकार की स्थापना ऐसा कुछ कर दिया जाएगा, अंतरिम व्यवस्था हो जाएगी। एक लॉलीपॉप इन्होंने और दिया, इन्होंने कहा कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसका पुनर्गठन किया जाएगा और वायसराय और सैनिक जो प्रमुख है उनको छोड़ के बाकी सब भारतीयों द्वारा पद भरे जाएंगे। वायसराय की जो कार्यकारिणी है इस कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा। और दो चीजें इन्होंने कही, एक वायसराय और दूसरा सैन्य प्रमुख, क्योंकि सैन्य प्रमुख के मामले में ये नहीं ले सकते थे रिस्क, इनको छोड़कर बाकी पद भारतीयों द्वारा भरे जाएंगे। एक लॉलीपॉप इन्होंने ये दी, वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन करने की बात की, ताकि अब तो सब भारतीय हो जाएंगे सब उनके हाथ में, लेकिन दो चीजें रख ली ना, वायसराय और सैन्य प्रमुख का पद। सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व की बात भी यहीं पे छेड़ दी कि जो सवर्ण हिंदू है जितना उनको मिलेगा तो उतना ही सवर्ण मुस्लिमों को मिलेगा, यानी कि मुस्लिमों को भी समान प्रतिनिधित्व, यानी कि दोनों वर्गों को साथ लेके चलने की बात की गई कि दोनों लोग हमसे खुश रहे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान ही कार्यकारिणी परिषद काम करेगी, ऐसा भी इन्होंने कहा था। और इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग अकारण नहीं करेगा, जो कार्यकारिणी परिषद है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान ही होगी, एक बात इन्होंने ये कही थी। अंतरिम सरकार की तरह ये कार्य करेगी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, और अकारण वीटो नहीं होगा, अकारण वीटो नहीं। अब ये वीटो कौन करता था, वायसराय करता था, तो वायसराय अकारण वीटो नहीं करेगा, सॉरी गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल होगा गवर्नर जनरल अकारण वीटो नहीं करेगा, ये भी इसमें कह दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय, 1942 की बात है, और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत लोग गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। तो इन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी, गिरफ्तार जो नेता थे सबको छोड़ दिया जाएगा, सबकी रिहाई, कांग्रेस को खुश करने के लिए ये भी इन्होंने एक इसमें पॉइंट डाल दिया। और जो बातचीत करनी है उसके लिए इन्होंने कहा एक सर्वदलीय बैठक हम बुलाएंगे, उसमें बातचीत होगी, उसमें सब तय कर लिया जाएगा कैसे क्या होना है। और ये सर्वदलीय बैठक शिमला में होनी थी, शिमला सम्मेलन होगा ना, तो ये सर्वदलीय बैठक वहां पर होगी। इतनी व्यवस्था की। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस बात को, यानी कि ये योजना जो थी वेबल योजना थी, इसको किसने माना किसने नहीं माना, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, यही तो नहीं है मैं, तो इसको ना मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस ने कहा कि हम तो अखंड भारत के स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र करने की बात कर रहे हैं, और तुम ये सब लॉलीपॉप हमको दे रहे हो, ये छोटी छोटी बातें करके हमको बेवकूफ बना रहे हो। और मुस्लिम लीग के पास तो एक मुद्दा अपना रटा रटाया था ही, पाकिस्तान दो, है ना। और ये संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं,
बात समझ में आ रही है? तो दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया, दोनों की दोनों ने अस्वीकार कर दिया, कहा कि ठीक है तुम अपना ये रखे रहो, हमको नहीं चाहिए, अस्वीकार कर दिया। देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बातें हो रही हैं। ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश का यहां पे सारा दबदबा था, धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, यहां तक बातें पहुंच गई हैं, मांग करते करते यहां तक पहुंच गई। कई बार होता है कि भगवान से ना मांगो, मांगना पड़ता है, भगवान से मांगोगे तभी मिलेगा। हो सकता है कि भगवान जानता है कि तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो कम है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये कमी में तुमको कोई दिक्कत है, तो जब मांग लोगे तो पता चल जाएगा। और अपने बड़ों से मांगने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, उस समय ये अंग्रेज बड़े थे भाई, वही बड़े थे ही, तो अंग्रेजों से मांगना पड़ रहा था, अंग्रेजों से मांगना पड़ रहा था, और मांगने के बावजूद भी अंग्रेज दे दे ये कोई जरूरी नहीं था, तो कुछ दे रहे थे कुछ नहीं, और जो दे रहे थे ना वो कांग्रेस को पसंद था और ना वो इसको मुस्लिम लीग को पसंद था, दोनों को नहीं पसंद था, तो ये अस्वीकार कर दे रहे थे, ये अस्वीकार कर दे रहे थे। इसी साल 9 जून की ये बात है, जस्ट इसके 21 दिन 15-16 दिन बाद, दो हफ्ते बाद, 16 दिन के बाद, 25 जून 1945 शिमला में एक सम्मेलन होता है जिसको शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वही सर्वदलीय सम्मेलन था ये, शिमला में लोग इकट्ठे होते हैं 25 जून 1945 को शिमला में ये लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे बातचीत अपना करने के लिए बैठते हैं। कुल 22 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होता है। तो 22 लोग थे और अबुल कलाम आजाद जो थे ये क्या थे, अबुल कलाम आजाद ये नेतृत्व करता थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था इसका, ये इसमें शामिल हो जाते हैं 22 लोग, 22 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करता कौन था, अबुल कलाम आजाद, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन, अगर आपसे कोई पूछ ले ये क्या था तो एक सर्वदलीय सम्मेलन था, सभी दल के लोग इसमें बैठे बात करें कि आगे क्या होना चाहिए, सारे लोगों को, जैसे परिवार में कोई बड़ा फैसला होना होता है तो सबको बुलाया जाता है। मुस्लिम लीग भी इसमें, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले अपना कहा कि जो वायसराय की कार्यकारिणी की महोदय बात कर रहे थे ना, वायसराय कार्यकारिणी अभी ऊपर जो बात हुई थी किसमें, वेबल योजना की जो बात अपने अभी आपने की है, वेबल योजना में वायसराय कार्यकारिणी की बात की थी ना, तो इन्होंने कहा कि जो वायसराय कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्य होंगे, जो मुस्लिम सदस्य होंगे, मुस्लिम सदस्य सारे हमारे होंगे, मुस्लिम सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम लीग के बताए अनुसार होंगे। कांग्रेस ने कहा क्या बात करते हो, क्या ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि सारे मुसलमानों की चिंता केवल तुम्हें ही है, सारे मुसलमानों की चिंता केवल तुम्हें ही है, कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्य तुम चयन करोगे, तुम्हारे हिसाब से होंगे, तो क्या बस तुम्हें ही चिंता है, कांग्रेस नहीं तैयार होगी, कांग्रेस केवल गैर मुस्लिमों का नेतृत्व करने वाला संगठन घोषित हो जाता, मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी चाल चली थी, और मुस्लिम लीग का ये इतना बड़ा अतार्किक प्रश्न था, प्रस्ताव था, प्रश्न नहीं प्रस्ताव था, कि 15-20 दिन लगभग इस पर विचार चला, 25 जून से 14 जुलाई तक विचार चला, ये 14 जुलाई तक चला था, 14 जुलाई बात चलती रही, लेकिन इतना अतार्किक ये प्रस्ताव था कि इसमें बात नहीं बन पाई, बार बार वो यही कह रहा था, तो हमारा पाकिस्तान हमारा मुस्लिम, हमारा पाकिस्तान हमारा मुस्लिम, अंततः ये जो है असफल हो गया, असफल रहा, इसकी कोई बात ऐसी नहीं इसमें निकल के आ पाई कि जिसको माना जा सकता। 1946 में वहां पे ब्रिटेन में गवर्नमेंट होती है लेबर पार्टी की और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, क्लीमेंट एटली, पार्टी भी इनकी इंपॉर्टेंट है, लेबर पार्टी 1946 की बात है,
1946 का शुरू का ही दिन 22 जनवरी 1946 क्लीमेंट एटली कहते हैं कि भारत में चल रहे जो राजनीतिक गतिरोध हैं उनको अब दूर किया जाना चाहिए। राजनीतिक गतिरोध समाप्त होने चाहिए और इसी के उद्देश्य से एक कैबिनेट मिशन वो भारत भेजते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में 22 जनवरी को भेजने का निर्णय इन्होंने लिया। 3 सदस्य इसमें होते हैं कैबिनेट मिशन में, एक तो वो क्रिप्स ही होते हैं जो क्रिप्स मिशन वाले हो, स्टैफोर्ड क्रिप्स एक इसमें होता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा एबी अलेक्जेंडर इसमें होता है, एक क्रिप्स हो गए एक अलेक्जेंडर हो गए, और तीसरे होते हैं पैथिक लॉरेंस ही इसके अध्यक्ष होते हैं। यहां पे लिख दे रहा हूं पैथिक लॉरेंस, जिसे इनका नाम आपको याद है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन इनके नेतृत्व में यहां पर आता है। मिशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? पैथिक लॉरेंस। छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ऐसे लिखिए, सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में सर स्टोफेट किप्स और एबी अलेक्जेंडर के साथ ये मिशन 22 जनवरी 1946 को भारत आया। इनको छोटे छोटे एग्जाम देने हैं जहां पे जीएस के में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों वाले एग्जाम देने हैं, वहां पर ये पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड के मेन्स में एक बार ऐसे पूछ लिया गया था, 50 शब्दों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे पहुंचते हैं 22 जनवरी को, ये आदेश होता है राजनीतिक गतिरोध दूर करना है, और कैबिनेट मिशन यहां पर आके फरवरी मार्च अप्रैल मिड ऑफ मई तक काम करता है, और 16 मई को ये कैबिनेट मिशन है, 16 मई 1946 में, 16 मई 1946 को ये जो मिशन है ये क्या करता है? अपनी योजना प्रस्तुत करता है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको जानना चाहिए। पहली बात ये कहता है कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। अखिल भारतीय संघ का गठन करेंगे, ठीक है, लेकिन विदेशी रक्षा और संचार के जो मामले हैं, विदेश रक्षा और संचार, इसके मामले संघ के अधीन होंगे। इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ का होगा, और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला के एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ऐसी बात थी। संघ के बारे में इन्होंने कहा कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानपालिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यपालिका और विधानपालिका ये इस संघ की होगी, और इसमें ब्रिटिश भारत जो था और साथ में जो देसी रियासतें थी, अब देखिए थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक बात कर रहे हैं, ये इसमें शामिल होगी। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा सभी जो विषय हैं और अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सब इन्होंने कहा कि प्रांतों में नहीं, संघीय विषय छोड़ दिया जाए, विषय छोड़कर सभी विषय प्लस अवशिष्ट शक्तियां ये कहां पर निहित होंगी? ये प्रांतों में, ये बात नहीं होती, और ये कहां पर होंगी? ये प्रांतों में होंगी, प्रांतों के पास इनके अधिकार होंगे। देखिए धीरे 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 ये अब आज का जो हमारा संविधान है उसके नजदीक हम पहुंच रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का भी निर्माण हमको करना है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होगा तो उसके लिए एक संविधान सभा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा होगी वो कैसे गठित की जाएगी? तो उन्होंने कहा इसके लिए हम एक अप्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे,
अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और इस चुनाव में 10 लाख आबादी पर, पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि हम चुनेंगे, 10 लाख व्यक्ति पर संविधान सभा का एक मेंबर हम चुनेंगे। तो उन्होंने कहा कितने मेंबर चुनोगे, तो इन्होंने कहा कि जो टोटल मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स की संख्या होगी, जो मेंबर्स होंगे, यहां पे इसको कर लेते हैं, मेंबर्स जो होंगे वो होंगे 389 और इन 389 में से 293 इन 389 में से 292 ये ब्रिटिश प्रांत से होंगे। 93 इन्होंने कहा कि इसमें देसी रियासतों से होंगे, देसी रियासत से, और बाकी बचे 4 ये चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनसे होंगे। मैं बता दूंगा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या है आगे की क्लास में। 4 चीफ कमिश्नरी जो रीजन थे, एरिया थे, उनसे होंगे। तो 4, 3, 7, 2, 9 और इस तरीके से ये 389 टोटल मेंबर्स इसमें चुने जाएंगे और हर 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा का एक सदस्य होगा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन करा के संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके जो मेंबर थे उनको चुना गया था। पूछा गया कि इसमें महिलाएं, तो महिलाएं भी इसमें थी, 15 महिलाएं भी थी। SC ST इस मेंबर्स में 15 थी वुमेन और 26 थे SC और 33 संख्या थी ST की। 15, 26, 33 हाँ। ये एक बात इसमें और कही गई थी, ये जो देसी रियासत है, देसी रियासतों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देसी रियासतों की ओर से नियुक्त की गई जो समिति होगी उनके मध्य आपसी बातचीत करके उसको तय किया जा रहा था। लेकिन प्रांतों को इसमें भी इतनी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आपस में मिलकर अपने शासन संबंधित पृथक समूह भी वो बना सकते हैं, इतना इसमें भी एक वो लगा हुआ था। और यही बाद में हमको कार्यवाही करनी पड़ी, बहुत सारे जो स्टेट हमारे शामिल नहीं हुए थे, देसी रियासतें जो थी उनपे वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें यह था कि एक समझौता समिति बनेगी और देसी रियासतों की ओर से भी एक समिति नियुक्त की जाएगी, दोनों लोग बातचीत करेंगे तो उनको मानना होगा तो इसमें आएंगे, तो वो भी अपने मेंबर भेज देंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पर 10 लाख पे एक मेंबर इसमें, लेकिन वो स्वतंत्र भी है, चाहे तो आपस में मिलकर अपना शासन संबंधी पृथक समूह भी वो देसी रियासतें बना सकते। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने कहा था भाई देसी रियासतों के बारे में तो हमने समझ लिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि अंतरिम सरकार का गठन तत्काल किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन होगा और यह गठन क्या होगा, तत्काल किया जाएगा, तत्काल यह गठन किया जाएगा अंतरिम सरकार का, और भारत के सभी राजनीतिक जो दल हैं उनका समर्थन इसमें होगा। अंतरिम सरकार में इन्होंने कहा था कि 14 इसमें मेंबर होंगे, 14 मेंबर्स की बात इन्होंने कही थी, सभी दल इसमें होंगे, सभी दलों की बात इन्होंने कही थी, 14 मेंबर्स की बात कही थी कि 14 मेंबर्स होंगे, इसमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 6 इसमें कांग्रेस के होने थे, 5 इसमें मुस्लिम लीग के होने थे और 1 इसमें ईसाई मेंबर्स होना था, 1 इसमें सिख मेंबर होना था और 1 इसमें पारसी मेंबर होना था। ये इस तरीके से था, 6, 5, 11, 12, 13, 14 ठीक है, ये सिख है, ये पारसी है, तो 1, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 6, 14 टोटल मेंबर इस तरीके से होना ठीक था। ये कुल मिला के महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आया, बापू ने कहा, महात्मा गांधी ने, कि अभी तक का जितना भी ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत जितना भी प्लान था तो उसमें से ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली ये सर्वश्रेष्ठ योजना थी, इसको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ योजना कहा, ठीक है। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन, अब अंतरिम सरकार का हमको गठन करना है।
शुरुआत में अंतरिम सरकार की जब बात होगी तो मुस्लिम लीग इसमें भागीदारी नहीं करेगी, अंतरिम सरकार का हम गठन करेंगे 14 सदस्यीय तो मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं करेगी। 2 सितंबर की बात है 1946, 11 अन्य सदस्यों के साथ पंडित नेहरू जो है वो शपथ लेंगे, बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें आ जाएगी। इसको पढ़िए, पढ़ के आइएगा, पढ़ लीजिएगा। अंतरिम सरकार का गठन हमको करना है, अंतरिम सरकार के गठन के बाद फिर माउंटबेटन योजना पे हम चलेंगे और फिर भारत सरकार का स्वतंत्रता अधिनियम आएगा 1947 का, फिर तो भारत आजाद हो जाएगा, फिर हम संविधान सभा पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।